recall when we were young, running from all things at once without thinking twice. And I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here for some time. Hello दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? So good morning and welcome to my channel. तो basically अभी एकदम morning तो नहीं हुआ है, दिन हो चुका है, 2:30 बज गया है, but मैं आप लोगों से अभी मिल रही हूँ, तो जब मिल रही हूँ तब good morning. So मैंने सोचा कि मैं usually vlog कैसे start करती हूँ, एकदम raw morning में, एकदम ऐसे मेरा एकदम sleepy face, swollen eyes, बिल्कुल एकदम इस तरह से मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ. मैं भी थोड़ा तैयार होकर के, अच्छा फ्रेश होकर के, नहा धो करके व्लॉग स्टार्ट करती हूँ. तो आज मैं थोड़ा सा रेडी वेडी हो गई हूँ, अच्छे से मैंने कपड़े पहने हुए हैं अच्छे से करके कपड़े पहने हुए हैं. सो यस, एंड अभी मैं क्या हुआ ना, जो मेरा लास्ट वाला ऐसे वीकडे का व्लॉग था, मैं यूजुअली वीकडे व्लॉग्स नहीं करती हूँ क्योंकि वीक की उसमें रहता नहीं है और पता नहीं आप लोगों को मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, बट लास्ट व्लॉग में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया. And lot of you were asking me क्या किया करो, भले ही डेली मत करो बट आप एक वीक में 3 व्लॉग्स एटलीस्ट कर सकते हो. तो आई थॉट हाँ 3 व्लॉग्स मैं कर सकती हूँ, एक वीकेंड हो गया और 2 वीकडे का कुछ व्लॉग हो गया, वो मैं दिखा सकती हूँ इतना. तो मैंने सोचा कि चलो आज व्लॉग करते हैं. एंड अभी मुझे नहीं पता कि मैं इसमें क्या दिखाने वाली हूँ, टाइटल क्या डालने वाली हूँ, कुछ नहीं पता है मेरे को, वो रैंडमली चलता जाएगा. हो सकता है ये व्लॉग आज खत्म हो जाए, हो सकता है मैं कल तक एक्सटेंड कर लूँ. ऑल्सो मेरा लंच हो चुका है, लंच में आपने देख लिया है कि मैंने क्या बनाया था आज. हम लोगों ने सैंडविच बना करके खाया था, बिकॉज समर्स में ना ऐसे एकदम प्रॉपर दाल रोटी सब्जी खाने का एकदम मन नहीं होता है. विक्की भी काफ़ी बोर हो गया है तो वो भी बोलता है कुछ नया बनाओ, एंड मैं भी काफ़ी बोर हो गई हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ नया जो कि फिलिंग भी हो और फटाफट भी बन जाए, क्योंकि किचन में भी बहुत देर तक खड़े रहते हुए हिम्मत नहीं होती है. एंड समटाइम्स मुझे ऐसा फील होता है कि मैं एक बार रोटी वाली लगवा लूँ, बट फिर से कोविड केसेस राइज होने लग गए हैं तो अभी तो कुछ नहीं, अभी खुद ही करना है जो करना है, बिकॉज फिर से केसेस बहुत ज़्यादा राइज होने लगे हैं. एंड आई रिसीव फ्यू ऑर्डर्स, तो सुबह से यहीं पर पड़े हुए हैं क्योंकि अभी हमारे घर में ना कोई आता है ना कोई हम जाते हैं बाहर, तो ये सारे पार्सल्स पड़े हुए हैं. तो मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, तो लेट्स अनबॉक्स दिस. सो यस, दिस इज़ माय पोनी टेल. और कितनी छोटी सी पोनी आती है, मतलब मुझे पोनी बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. एंड भाई साहब, मतलब वाव, मैंने तो चलो हेयर कट करवाया है, मुझे देख करके बहुत सारे लोगों इंस्पायर हुए हैं. एंड इतने लंबे लंबे बाल लड़कियों ने कट करवाए, मुझे फोटोज भेजती हैं वो, एंड आई वाज लाइक मैं विक्की को दिखाती हूँ कि तू देखो यार, मतलब गजब गजब, और सब एकदम सही लग रही है और बहुत अच्छा लग रहा है. वो ऐसा होता है ना, यू वॉन्टेड समथिंग टू डू इन योर लाइफ, बट आपको एक पुश चाहिए होता है. तो मैं काफ़ी टाइम से सोचती तो थी बाल छोटे करवाने का, बट वो जो पुश मुझे मिला था ना वो टीनू की वजह से मिला था. एंड आई एम श्योर आप लोगों को पुश एक थोड़ा होता है ना, किसी को देख करके आपको, और कोई आपको पॉजिटिव पुश कर देता है कोई काम करने में, तो आपको जो अंदर हल्का सा डाउट होता है ना वो चला जाता है. तो मेरे को टीनू से बहुत पुश मिला था कि अरे नीनी तू तो एकदम ये फाड़ू लगेगी, ऐसा लगेगी, ढिमका लगेगी, फलाना लगेगी. एंड मैंने जैसे जैसे करके हिम्मत कर लिया, फिर तो मतलब आई एम जस्ट लविंग इट. ठीक है, तो अब मैं ना, मैंने आज न्यू स्लिपर्स भी पहनी है. मैं अपनी स्लिपर्स बताती हूँ. गोल्ड इस तरह से वो बना हुआ है, चेन बना हुआ है, बट जितनी सुंदर ये दिखने में लग रही है ना उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है नहीं ये. मेरे पास जो पुरानी वो नहीं बाटा वाली जो मैंने खरीदी थी, वो कौन सा सोल है, डॉक्टर सोल वाली, वो बहुत कंफर्टेबल है. ये इतनी कंफर्टेबल नहीं है बट दिखने में सुंदर लग रही है, तो पहनने में थोड़ा अच्छा लगता है, ज़्यादा मुझे लगता भी नहीं कि ये चलेगी. ट्रिमर, ठीक है, प्रेसिशन फॉर फेस हेयर एंड बॉडी ग्रूमिंग. तो ये मैंने विक्की के लिए ऑर्डर किया है. सो इफ़ यू वॉन्टेड टू गिफ्ट समथिंग टू योर हस्बैंड, योर ब्रदर, योर फादर, आप इस तरह का कुछ गिफ्ट कर सकते हैं. अमेजिंग, कोई भी देख करके खुश हो जाएगा. मैं ही देख के खुश हो गई, विक्की तो दूर की बात है, मैं देख के बहुत खुश हो गई. मतलब इसमें ईयर एंड नोज ट्रिमिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, बॉडी ग्रूमिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, देन शॉर्ट बियर्ड, लॉन्ग बियर्ड, प्रेसिशन ट्रिमिंग, स्टबन, स्टबल पता नहीं क्या होता है, 0-1-0 ट्रिमिंग होती है ना, वो सब बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा किट लग रहा है. तो
तो ये है वो, मैं आपको डिटेल जो रिव्यू है वो अलग से दूंगी। उसके बाद मैंने फॉरेस्ट एसेंशियल का एक और कुछ चीज़ मंगवाया है, तो ये सब अलग से हॉल वीडियो में शेयर कर दिए जाएंगे आपको विद रिव्यू एंड ट्राई ऑन हॉल जो कपड़े आए हैं वो। तो यस, इनको मैं रखती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि ये वाले जो कर्टन्स हैं मैंने कहाँ से लिए हैं, तो ये जितने भी कॉटन के कर्टन्स आप मेरे घर पे देख रहे हैं ना, दे ऑल आर फ्रॉम मीशो, ठीक है। उसके बाद ये दोनों जो स्टूल्स हैं, पूफ्स हैं, बोथ आर फ्रॉम मीशो, अमेजिंग, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। और जो मैंने यहाँ पर रखे हुए थे ना, जो बैल्कनी के थे, उनको भी बताती हूँ मैं। उसके बाद ये जो दोनों आप देख रहे हैं मीशो, ये रहा जो बैल्कनी वाला स्टूल है, वो अभी मैंने यहाँ पर इसलिए रख दिया है क्योंकि जब भी पानी पीना होता है तो यहीं बैठ करके पानी पीते हैं, थक जाती हूँ जब मैं कुछ करते करते, तो मैं यहाँ पर आकर के बैठ जाती हूँ। सो दिस इज़ फ्रॉम मीशो, ये भी मीशो का है। मीशो बहुत सारी चीज़ें हैं मीशो के मेरे घर पे। अब इसको विंडो को ओपन कर देते हैं। एंड यहाँ पर भी मैंने ना क्या करके रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सीधी सनलाइट आती थी ना, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर ऊपर ना ये कर्टन्स लगाने के लिए, कर्टन बोल रही हूँ, कपड़े जो टांगते हैं ना उसको लगाने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर जो पुराने हमारे कर्टन्स थे ना वो यहाँ लगा दिए। तो वो लगाने से क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है एक तो, ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है और थोड़ा ठंडा भी रहता है रूम। तो ये मैं शाम को ओपन कर देती हूँ, ये ऐसे ओपन हो गया है और ये है शाम का व्यू। आप सोचो अभी 6 बज रहा है एंड सूर्य देवता को देखो, बहुत ही खतरनाक तरीके से उभरे हुए हैं। I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my. तो अब चलते हैं किचन में, बिकॉज डिनर की प्रिपरेशंस हम लोग जल्दी डिनर कर लेते हैं। 7:30 मैक्स, 7:30 टू 7:45 मैक्स हम लोग का जो डिनर है वो हो जाता है, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। एंड आज मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि सुबह जो सैंडविच बनाया है उसका थोड़ा सा ये मसाला रखा हुआ है, तो मैं इसका आलू के पराठे बना दूँगी विक्की के लिए। एंड मैंने यहाँ पर जो छोले होते हैं ना वो और चना, मुझे चिक्की चाट खाना है, तो मैंने थोड़ा सा जो बॉयल पोटैटो है वो मैंने अलग रख दिया था, तो मैं इसका चाट बनाने वाली हूँ। So yes, let's get started. Heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold. तो अभी मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, जितना इतना आटा रखा हुआ है सिर्फ इतने की बनाऊंगी, 2 या 3 बनेंगे मोस्टली। एंड मैं आलू का पराठा ऑलमोस्ट 1 साल के बाद बनाने वाली हूँ, क्योंकि 6 महीने तो हमारे घर पे निकल गए थे, उसके पहले भी मैंने नहीं बनाए थे, मुझसे अच्छे से बनते नहीं आलू के पराठे। बट बहुत सारे लोगों ने मुझको आलू के पराठे वाले वीडियोस में ना ऐसे अच्छे से एडवाइस दिया था कि किस तरह से आप बना सकते हो, तो ये मसाला हमने पहले से ही बना के रख लिया है, फ्रिज में रख लिया था, सो दैट वो फटे ना। और लेट्स सी, देखते हैं बना करके। हैंड वैंड वॉश कर लेती हूँ पहले तो मैं, क्योंकि मैंने अभी ना अपने बालों को बार बार हाथ लगाया हुआ था। मैंने मस्त गोल गोल पराठे, थोड़े से हल्के से एकदम फटे हैं, बट ये नॉर्मल होता है, ठीक है, इतनी प्रॉब्लम नहीं आई मुझे बनाने में, तो वो मैंने बना लिया है। अब मैं खाती हूँ, उसके बाद फिर चाट बनाएंगे। 2 विक्की ने खा लिया, 1 मैं खाऊंगी और फिर हम चाट खाएंगे। आई एम मेकिंग चिकपी एंड चना चाट, तो यहाँ पर मैंने चिकपी और साथ ही साथ जो ब्लैक चना होता है ना वो ले लिया है, तो है मैं वो यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ।
बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर एक अनियन, एक टमाटो और एक ककड़ी ले रहे हैं, खीरा ककड़ी जो भी आप इसको बोलते हैं, क्यूकम्बर वो ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा काला नमक एंड साथ ही साथ चाट मसाला, दैट्स इट। आप चाहें तो और भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी ऐड करी है एंड ऊपर से धनिया ऐड किया है, आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है ये। Try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मस्त बाहर से बहुत अच्छी हवा आती है। मैं यूजुअली रात में विंडो ओपन करके, थोड़े से मॉस्किटोज आते हैं बट हम लोग तो मॉस्किटो नेट पे सोते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम तो मैं तो ये ओपन करके बैठती हूँ आराम से। बहुत अच्छी वेंटिलेशन होता है और बहुत अच्छी हवा आती है, ठंडी ठंडी अभी अभी इस टाइम पे हवा आ रही है। सो मैं ये खाती हूँ। गाइस, मैं जस्ट अपना डिनर विनर करके ना ऐसी आराम से बैठी हुई थी, और जनरली जो भी पार्सल्स आते रहते हैं ना, मुझे एक्सपेक्टेड होता है कि हाँ मुझे ये पार्सल आने वाला है या मुझे वो पार्सल आने वाला है, बिकॉज कॉल आ जाती है, नीचे से फ़ोन आ जाता है। बट आई जस्ट रिसीव्ड अ सरप्राइज पार्सल एंड ओ माई गॉड, क्या पैकेजिंग आई है, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ मेरे पास आने वाला है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ। लुक एट दिस गाइस, ओ माई गॉड, बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ मैं। इसको ओपन करते हैं, आई लव्ड इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये हैंड रिटन लेटर है, इनकी जो फाउंडर एंड सीईओ है मलिका सदानी, उन्होंने भेजा है। बहुत ही ब्यूटिफुली, पहली चीज़ उनकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है। उसके बाद ये सोक एंड वाटर ओवरनाइट प्लांट एंड सॉइल ये दिया हुआ है। फिर तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा कप है, बट माई स्किन केयर रूटीन इज, ठीक है। फिर इस पाउच के अंदर बहुत ही क्यूट सा पाउच है जिसके अंदर मेरा नाम वाला मुझे मास्क मिला है, एंड ये जो डायरी है मेरे नाम की एंड मेरा नाम इसमें लिखा हुआ है पर्सनलाइज। देखते हैं क्या है इसके अंदर। सो वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। हाँ, बहुत ही प्यारी सी डायरी है और नाइट क्रीम्स वगैरह, सो वेरी गुड। सो दिल से दुआएं हैं मॉम्स को के लिए कि आपका जो ब्रांड है वो और अच्छे से हाइट्स पे पहुंचे और सक्सेसफुल हो, ऐसे ही आप नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते रहे। सो थैंक यू सो मच। ओके गाइस, सो माय बैटरी इज़ टोटली लो और 9 बज गए अभी। कभी मैं जाऊंगी शार लेने के लिए और फिर सोऊंगी। तो मैं एक्चुअली इस डायरी को देख रही थी और विक्की को बोल रही थी कि मुझे जीवन में आज तक किसी ने इतना पर्सनलाइज गिफ्ट नहीं दिया है, बिल्कुल नाम वाम छपा हुआ है मेरा भाई, आई फील सो स्पेशल। हाई एवरी वन, गुड मॉर्निंग, एंड मैं बिल्कुल रॉ तरीके से आई हूँ। मैं ऐसे ही उठती हूँ, अपना चेंज कर लेती हूँ, नाइट सूट कुछ भी पहन लेती हूँ, कॉटन का लूज सा जो होता है, एंड इसी तरह से लूज पोनीटेल बांध करके सोती हूँ और ऐसे बिखरे बिखरे अजीब हालत में उठती हूँ। तो मैं जस्ट 2 मिनट में चेंज करती हूँ और आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि आई वोक अप लाइक दिस, बेटर नाउ। तो आज है फ्राइडे और आज मेरा डस्टिंग डे रहता है, तो काफ़ी, हाँ आज है एक्चुअली गुड फ्राइडे, फ्राइडे नहीं आज गुड फ्राइडे, छुट्टी वाला दिन है। और उसके बाद दिन में आज शायद आज मैं वैक्यूम करने वाली हूँ, और खाने में आज बनाएंगे भिंडी दाल और रोटी। मैंने बताया ना अभी हमारे मेड नहीं आ रही है, तो बर्तन भी अभी हम ही लोग कर रहे हैं, सब कुछ हम ही लोग कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा आराम से चल रहा है। तो ये जो आटा है वो प्रेप हो चुका है, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको 10 मिनट्स ऐसे ही छोड़ दूँगी, सो दैट ये थोड़ा अपना फॉर्म में आ जाए।
तो आई एम जस्ट शेयरिंग अ मसाला भिंडी रेसिपी। यहाँ पर हमने जो भिंडी को कट करा है तो उसमें यहाँ पर थोड़ा सा बेसन मिलाया है, इतना कि हल्का हल्का सा सारे जो भिंडी हमने कट किया है उसमें कोट हो जाए। एंड देन फिर यहाँ पर एक पैन में ऑयल डाला है एंड वो जो बेसन वाली भिंडी है उसको डाला है एंड हल्का सा फ्राई करना है, बहुत फ्राई नहीं करना है और बिल्कुल धीमी आँच पर, ताकि आपका जो बेसन है ना वो जले भी ना एंड प्रॉपरली वो कुक हो जाए, इस तरह का कंसिस्टेंसी कलर आना चाहिए। यहाँ पर मैंने अनियन को चॉप कर लिया है एंड इसकी मैं टमाटो की प्योरी बना रही हूँ। उसके बाद हम अगेन एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर अनियंस डाल देंगे जो हमने चॉप किए थे। अब हमको अनियन को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, हल्का सा लाइट ब्राउन होने देना है एंड उसमें वही जो नॉर्मल मसाले होते हैं लाइक हल्दी, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें आपको डाल देनी है। और उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे जो हमने ये प्योरी बनाई थी वो बनाएंगे, डाल देंगे टमाटो की। एंड अब आपको इसको अच्छे से कुक करना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है एंड गरम मसाला भी इसमें ऐड कर दिया है और अब आप देखिए कि इसको मैं इतना अच्छे से कुक कर लूँगी। यहाँ पर अगेन मैंने वाटर ऐड किया है और अब मैं भिंडी डाल दूँगी। बस थोड़ी देर आपको ढक करके इसको कुक करना है एंड ये वाली भिंडी बहुत टेस्टी लगती है, बहुत जल्दी भी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बट टेस्टी बहुत लगती है ये। तो ये हमारी जो भिंडी है ये बनके रेडी हो चुकी है। ओके गाइस, आई एम डन विद लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ पर जो राइस है वो रखे हैं, ये सलाद मैंने कट कर दिया है, रोटियाँ बन गई हैं, सब्जी बन गई है एंड ये जो है ये दही हो रहा है, मतलब शाम तक रेडी हो जाएगा दही। एंड देन हमारा जो रायता है वो मैंने यहाँ पर रख दिया है। सो अब मैं चार तो नहीं लूँगी, पहले मैं लंच करूँगी बिकॉज आई एम वेरी वेरी हंग्री और टायर्ड नाउ खाना बना बना के गर्मियों में तो। और क्योंकि मैंने ये भी लगाया हुआ है ना तो थोड़ा इसको एक दो घंटे लगा के रखूँगी, तब तक मैं डस्टिंग करूँगी आज क्योंकि डस्टिंग डे है और आज मुझे बेडरूम की थोड़ी अच्छे से डस्टिंग करनी है। हॉल तो कैसा है कि मैं चलते फिरते कपड़ा मार देती हूँ बट मेरा बेडरूम थोड़ा हो जाता है गंदा, तो आज मैं बेडरूम का प्रॉपर डस्टिंग करने वाली हूँ। हाय एवरीवन, सो आई जस्ट टुक शावर, आई गॉट लॉट ऑफ पार्सल्स फ्रॉम Amazon, ये रहे ये रहे, और ये जो दो है ये रिटर्न होके मतलब एक्सचेंज करवा रही हूँ मैं क्योंकि इनका जो वो है साइज़ है वो बिल्कुल छोटा बड़ा आ गया है। तो हमारे यहाँ यही चलता रहता है, पार्सल आते हैं रिटर्न के लिए जाते हैं या एक्सचेंज के लिए जा रहे होते हैं या ऐसा ऐसा चलता है। और ये मैंने बहुत सही चीज़ मंगवाई है, सो आई हैव वेरी हाई होप्स विद दिस थिंग। तो ये मैंने ट्रॉली बैग मंगवाया है, एक्चुअली ट्रॉली बैग मतलब आप इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। हमारे पास जो ट्रॉलीज होते हैं ना वो हमारे पास चार ऑलरेडी हैं बट इस तरह के बैग स्टाइल में एक भी नहीं था। तो ये कैसा है, ये तो बैग तो है ही, मतलब आपको फुटवेयर वगैरह रखना हो, ऊपर कुछ सामान रखना हो तो इस तरह का बैग हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे लेने का एंड इसमें यहाँ पर ट्रॉली भी स्टाइल में है तो काफ़ी अच्छा लगा, क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। ओके गाइज, तो फिनिशिंग दिस व्लॉग हेयर, आई होप आपको मेरे सिंपल जो व्लॉग्स हैं, बहुत ही सिंपल व्लॉग्स हैं, वो आपको पसंद आ रहे होंगे बिकॉज लास्ट वाला मैंने बहुत ही सिंपल बनाया था एंड ये वाला भी इट्स वेरी सिंपल। सो आई होप यू आर लाइकिंग इट एंड डू लेट मी नो कि क्या मैं इस तरह के व्लॉग्स बनाना कंटिन्यू करूँ, मतलब इसमें मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ बट स्टिल आई एम जस्ट मेकिंग वट एवर हैपनिंग इन माई लाइफ एंड वट एवर आई एम डूइंग इन माई यू नो डेली रूटीन और सो सिंपल से हैं व्लॉग्स। यस, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड दैट्स इट फॉर माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट जरूर करिएगा बिकॉज आप जब कॉमेंट करते हो ना तो मुझे एक्चुअली पता चलता है कि हाँ आप लोगों को मजा आ रहा है वीडियो देखने में। सो यस, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।